नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल में, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन को लेके। हम सबको ही पता है कॉन्स्टिपेशन में हमें हार्ड और लंपी स्टूल्स आते हैं, और स्टूल पास करने में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूप करने में या पॉटी करने में, जो है बहुत डिफिकल्टी होती है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी बहुत कम होती है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे बेसिक तरीके जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन से राहत पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी बताना चाहता हूं, जो कि मैंने रुजुता दिवेकर जी से इंस्पायर होकर आपके सामने लाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है गुड़, या फिर गुड़ का जो पाउडर्ड फॉर्म होता है शक्कर। तो ये हमें लेनी है शक्कर, जिसको बोलते हैं, या फिर जो गुड़ का जो पाउडर फॉर्म होता है वो बेटर है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं। तो इसको हमें लेना है कटोरी में, थोड़ा सा और ले लेते हैं, और फिर इसमें डालना है थोड़ा सा देसी घी। ये मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा देसी घी, और इसको हम अभी उंगली से कर लेंगे मिक्स। तो मिक्स करने के बाद ये बन गया है कुछ इस तरीके का। तो ये जो मिक्स करके हमने बना लिया, इसको हमें बहुत ही टेस्टी हमें खाना है ये अपना लंच करने के बाद। क्यों खाना है? क्योंकि इससे हमें कॉन्स्टिपेशन में मिलेगी राहत। क्योंकि देखिए, गुड़ में आयरन होता है, और जो हमारा घी होता है देसी घी, इसके तो इतने फायदे हैं कि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, और मेरे चैनल पे वो आज तक का मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा देसी घी के फायदे, आप बाद में जरूर उसको देखना। देसी घी में बहुत ज्यादा एसेंशियल फैट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए जरूरी होते हैं। तो जब ये दोनों एक साथ कंबाइन करके हम लेते हैं, तो जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। जो हमारे इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है फॉर पासिंग ऑफ द स्टूल। और क्या होता है, और इससे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम खाना खा रहे हैं बाकी का पूरे दिन में, उसमें उसका जो एसिमिलेशन है न्यूट्रिएंट्स का, वो हमारी बॉडी में बिल्कुल अच्छा हो जाता है इस कॉम्बिनेशन को लेने से। और जो पूरी दुनिया बात करती है टॉक्सिन्स की, तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करने में, एक्सक्रीट करने में, ये जो कॉम्बिनेशन है गुड़ और घी का, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए स्पेशली, उनको एक शुगर की क्रेविंग भी होती है खाना खाने के बाद में, तो इससे अच्छा जो स्वीट है वो और कोई हो नहीं सकता, बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप आजमा के जरूर देखें। तो अगर आपके पास पाउडर्ड गुड़ नहीं है, तो गुड़ के छोटे से पीस को हम माइक्रोवेव करके, और उसके बाद भी उसमें हम घी मिला सकते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं, और 5 ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन से हमें बिल्कुल राहत मिलेगी। नंबर 1 पर है ड्रिंक मोर वाटर। पूरे दिन में आपको पानी ज्यादा पीना है। अब कितना पानी पीना है, इसके ऊपर बड़ी सारे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं। कोई बोलता है 7 से 8 ग्लास पीना चाहिए, कोई बोलता है 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको रेगुलरली थोड़ा थोड़ा एक एक गिलास पानी पूरे दिन में इतना पीना चाहिए कि आपका जो यूरिन है वो येलो या ऑफ येलो कलर का ना हो, एकदम प्लेन कलरलेस पानी के जैसा उसका कलर हो, तो आप एप्रोप्रिएट पानी पी रहे हैं। पानी इसलिए पीना है क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड है आपकी बॉडी, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन का होना लाजमी है, कॉन्स्टिपेशन आपको होगा ही होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी सोडा ड्रिंक्स या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लिमका वगैरह, आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो शुगर होता है उसकी वजह से भी हमको कॉन्स्टिपेशन बाद में और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना वार्म गिलास पानी एक लेते हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलेगी, खाली पेट जो आप अगर एक गिलास पानी सुबह लेते हैं। हाँ, इसमें अगर आप थोड़ा सा नींबू और डाल लेंगे तो और भी बेहतरीन होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नींबू पानी और नींबू डाल के गर्म पानी में पीने से वेट लॉस नहीं होगा। ये सब जो लोग करते हैं वेट लॉस के लिए, उससे कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और खाना खाने के बाद रात में, अगर सोने से 1 घंटा पहले आप गर्म गिलास का एक पानी पी लेते हैं, तो वो हमारा जो स्टमक है वो पूरी रात एकदम कंफर्ट जोन में रहेगा, अच्छे से वो डाइजेस्ट करेगा, और सुबह आपको जो है स्टूल पास करने में बहुत आसानी होगी। दूसरा पॉइंट है एक्टिविटी। आप पूरे दिन में अगर बैठे ही रहोगे और कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रक्चर्ड है वॉक करने के लिए, वो स्ट्रक्चर्ड है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, और अगर हम वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा।
अब वॉक कितना करना है, वॉक करने के लिए जनरली लोग बोलते हैं 10,000 स्टेप्स पर डे ले तो वो बहुत अच्छा है। हालांकि ऐसी कोई मैजिक फिगर नहीं है, लेकिन 10,000 स्टेप्स का मतलब ये हो जाता है रफली कि 7-8 किलोमीटर आप पूरे दिन में वॉक कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये सफिशियंट है। और खाना खाने के बाद भी आपको वॉक करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि वॉक करनी चाहिए तो उसमें खाना खाने के बाद आपको फास्ट वॉकिंग नहीं करनी है। कितनी देर करनी है, 20-30 मिनट अगर आप वॉक करते हैं खाना खाने के बाद तो बहुत अच्छा है, और नॉर्मल चहल कदमी टाइप वॉक करनी है खाना खाने के बाद आपको, तेज तेज नहीं चलना है या फिर कोई एक्सरसाइज उस टाइम पे नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है ईट मोर फाइबर। फाइबर दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। फाइबर खाने से हमारी बॉडी में जो बॉवल मूवमेंट होता है, जो हमारे पेट से जो खाना नीचे जाके पचता है, उसमें बहुत कंसिस्टेंसी हो जाती है और वो काफी अच्छा हो जाता है। अब फाइबर में क्या क्या है, सोल्यूबल फाइबर में है नट्स, बीन्स, दाल, मटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इनसोल्यूबल फाइबर में क्या है, वीट ब्रैन जिसे हम चोकर बोलते हैं, जो कि पहले तो हम उसको छानते थे छलनी से, जिस छलनी को करवा चौथ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल का जो आटा है उसे छानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इतना ज्यादा रिफाइंड होता है। तो आजकल क्या है, मार्केट में वो वीट ब्रैन अलग से मिलता है, तो आप उसको खरीदें, खरीद करके उसे अपने आटे में मिक्स करें और उसके बाद उसकी चपातियां बनाएं। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आपको फाइबर लेना है तो होल ग्रेन्स खाएं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, जितने भी मिलेट्स हैं, तो वो बहुत फायदेमंद होते हैं उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन है। तो बेसिकली क्या, उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना खाके, मैदा वगैरह नहीं खाके और होल ग्रेन्स खाएंगे तो बहुत फायदा होगा। तो जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो पानी के साथ मिलके एक जेल, एक पेस्ट जैसा बना लेता है हमारे खाने के साथ मिलके, जिससे कि जो बावल की कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी हो जाती है और स्टूल पास करने में होती है हमें बहुत आसानी। फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए, फ्रूट्स तो वैसे सारे ही अच्छे हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरे से आप बात करें तो मेरा फेवरेट है पपीता। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको पपीता खाना चाहिए, उनसे बॉवल जो है मूवमेंट बहुत ईजी हो जाता है। और आपको जो अवॉइड करना है वो है पैकेज्ड फूड, जितने भी पैकेट्स में आते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो भी मैदा या रिफाइंड फ्लोर से बनते हैं, जंक फूड, क्योंकि इनमें थोड़ा सा भी जो है ना फाइबर नहीं होता, जिसकी वजह से हमें उनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है और कॉन्स्टिपेशन हमारा बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है ईट प्रोबायोटिक फूड्स। अब मैंने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाके बाद में जरूर देखना कि प्रोबायोटिक फूड क्या होते हैं। तो चौथा पॉइंट है कि आपको प्रोबायोटिक फूड खाने हैं। प्रोबायोटिक फूड वो होते हैं जो हमारे पेट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे और वो करोड़ों की संख्या में होते हैं, वो हमारे खाने को पचाते हैं। तो जब हम प्रोबायोटिक फूड खाते हैं जैसे कि दही, तो इससे क्या होता है कि उन हेल्दी जो बैक्टीरियाज हैं उनकी जो संख्या है, जो नंबर है, वो बढ़ जाता है, और जिससे हमें खाना पचाने में होती है बहुत ज़्यादा आसानी। तो दही को आप खाने के साथ ज़रूर खाएं, दही ले लें, मट्ठा ले लें, रायता ले लें, वो इन सब चीज़ों से को का आपको जो है अपने लंच में या डिनर में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी संख्या बढ़ जाए और आपको खाना पचाने में हो आसानी। और पांचवा पॉइंट जो है वो मेरा है कि ईट प्रीबायोटिक फूड, वो भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रीबायोटिक फूड वो होते हैं जो इन हेल्दी बैक्टीरियाज की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, इनकी सेहत को बढ़ाते हैं। तो जो प्रीबायोटिक फूड होते हैं वो जो हमारे पेट में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जिनका काम खाना पचाना है, वो उनकी हेल्थ को बढ़ाते हैं। वो जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रीबायोटिक फूड को खा के बड़े खुश हो जाते हैं, और जब वो खुश हो जाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रीबायोटिक फूड में कौन कौन से फूड आते हैं, तो प्रीबायोटिक फूड में आते हैं मेनली गार्लिक यानी कि लहसुन, अनियन, प्याज और राइस, और उसके अलावा है बनाना। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कॉन्स्टिपेशन से कैसे राहत मिलनी चाहिए, कैसे हमको फायदा मिले। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों और बहनों मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।